नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी में आपका स्वागत है और मैं हूं ब्रजेश चौकसे। आज हम आपको ऐसे अफसर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो महज 24 साल की एज में आईपीएस बन गए थे, वह भी अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए। तो आइए मिलिए 2017 बैच के आईपीएस अफसर अंकित जायसवाल से। जायसवाल जी नमस्कार, आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा 24 साल की उम्र, जिस उम्र में युवा शरारतें करते हैं, बदमाशियां करते हैं और आप आईपीएस बन गए, कहां से लक्ष्य था आपका पहले से या सिर्फ माँ का सपना पूरा करने के लिए आईपीएस बने? नहीं, एक्चुअली स्टार्टिंग से तो लक्ष्य नहीं था, बट एक्चुअली मेरी मदर जो है वो शुरू से मतलब इस फील्ड में आना चाहती थी, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो नहीं आ पाई। तो उनके मन में हमेशा ये रहता था कि कोई ना कोई उनके परिवार से एक जना इसमें आए, सिविल सर्विसेज में। तो फोर्थ ईयर तक तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। फोर्थ ईयर में मैं जब TCS में सेलेक्ट हुआ, मैं जब वहाँ गया तो आई रियलाइज कि दिस वॉज नॉट समथिंग विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। वहाँ से मतलब मुझे थोड़ा, मैंने जब इंट्रोस्पेक्ट किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, और मैंने वहाँ से तैयारी स्टार्ट करी। आप MPPSC में भी आपने एग्जाम दिए थे 2015 में जी, और फर्स्ट बार में आप BDO के पद पर चयन हो गए थे। 7 माह नौकरी भी गया जी, उसमें और इस नौकरी में जमीन आसमान का अंतर जी, कैसा लगता है आपको वो वर्किंग और इस वर्किंग में? बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, जैसा आपने बताया एक्चुअल में ऐसा ही है। BDO के पद पे मतलब कंपैरिजन हम नहीं करें तो बेटर रहेगा उसमें, क्योंकि BDO का जो काम है वो एकदम अलग ही काम है, और जो पुलिस का काम है वो प्रॉपर, जो हम कहना चाहें कि अगर BDO से अगर आप देखते हैं तो BDO में हम रूरल साइड में काम करते हैं, जितनी भी हमारी सरकारी योजना है उनको हम, जितने भी जो हमारी पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, जो उसके दायरे में आती है, जो लोग हैं उन तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। BDO एक तरीके का, जैसे हम कहें कि जिले में कलेक्टर सर होते हैं, इस प्रकार से एक जो तहसील होती हैं छोटी, ब्लॉक्स होते हैं, उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जनपद COB जैसे कहते हैं, तो वो लोग उसी स्तर पर कार्य करते हैं, जितनी भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा हो गया, आपका स्वच्छ भारत योजना हो गई, और डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कुछ योजनाएं रहती हैं, तो उनको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, ये BDO का काम रहता है। वहीं अगर आप देखें तो पुलिस का, तो पुलिस तो एक इमरजेंसी सर्विस है, जब आदमी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड रहता है तब पुलिस के पास आता है। मतलब अगर हम नॉर्मल कोर्स में देखें तो अभी भी भारत में कोई भी व्यक्ति रहता है तो वो तुरंत पुलिस के पास नहीं आता है, पहले वो अपने लेवल से उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, फिर अपने दोस्तों से, अपने परिजनों से लेवल पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश, उसके बाद भी जब वो हार जाता है तब वो पुलिस के पास आता है। आप जब पुलिस के उस काम के और इस काम के अनुभव से कुछ यहाँ फ़ायदा मिलता है कि नहीं आपको, जैसे BDO का जो काम था नीचे के स्तर पर आपने देखा होगा लोगों की कैसी समस्याएं हैं, किस टाइप के मामले आते हैं, कानून व्यवस्था में कानून से संबंधित मामले आते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को आता है उसी टाइप के मामले आते हैं, जमीन जायदाद से लेकर, तो उसका इस सर्विस में कुछ फ़ायदा मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। जैसे मेरे पास कुछ ज़मीन से रिलेटेड जब भी ऐसे कुछ केसेस आते हैं, या फिर कभी एक दो बार ऐसे केसेस भी आए जिसमें जो इंजीनियर्स के जो रोल रहे हैं वो थोड़े फ्रॉडलेंट रहे हैं, तो वहाँ उन्हें समझने में मेरे लिए आसानी रहती है। मैन स्किल में आप कमज़ोर थे लेकिन फिर भी फर्स्ट बार में हुए, और आपने कैसे उसको डेवलप किया? हमने कहीं सुना था कि आपने बहुत मेहनत की उसमें, जो कमज़ोरी थी आपकी? बेसिकली कमज़ोरी इस सेंस में, मतलब मैं शुरू से शाय नेचर कर रहा हूँ, तो बहुत बार मतलब जब भी स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पर कभी भी आगे बढ़ के किसी चीज़ में भाग लेने वाली बात रहती थी, तो कभी आई नेवर यूज टू पार्टिसिपेट इन ऑल दीज काइंड्स ऑफ स्टफ्स, जैसे डिबेट्स हो गया, और आप जो आगे बढ़ बढ़ के रिक्रिएशनल और बाकी आप क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन सब चीज़ों में नहीं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल था वो थोड़ा लैक करता था, तो जिसमें मैंने मेहनत करी है और उसी का मुझे फ़ायदा भी मिला इंटरव्यू में। तो आप हमेशा पार्टियों से दूर रहे जैसे युवा रहते हैं, और इस कारण ये लक्ष्य मतलब आपने हासिल कर पाए? पार्टियों से दूर तो मैं नहीं रहा हूँ एक्चुअली जी, दोस्तों के साथ जब भी मुझे मौका मिलता था मैं बैठता था अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो आपके पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति को इस तरीके का कोई मतलब सबकी अपनी अपनी जर्नी रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की जर्नी में ऐसे सेक्रीफाइसेस हो, तो मेरा जो लक्ष्य इस टाइप का नहीं था कि मतलब मुझे दोस्तों के साथ नहीं रहना या कुछ भी, तब तक मैं नहीं रहूँगा जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाऊँगा। जब युवा रहते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं तब पुलिस को बाहर से देखते हैं तो वो अलग दिखती है, और जब पुलिसिंग में आ जाते हैं आप, सिस्टम में ही आ गए हैं, तो तब और आप में क्या अंतर महसूस करते हैं? बहुत अंतर महसूस करते हैं। जब हम लोग कॉलेज टाइम में थे तो
जैसे कि नॉर्मली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स करते हैं हरकतें, जिन लोगों की रहती हैं दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तो ऐसे हम लोग भी घूमते फिरते थे। बहुत बार हम लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है जी, कभी ट्रैफिक पे लगी हुई पुलिस ने पकड़ा है, कभी नॉर्मल जो रूटीन उसमें रहते हैं। तो जो एक डर था पुलिस का, जो एक नॉर्मल सिविलियन में जो डर रहता है जी, वो हमने भी महसूस किया है। और अब चूंकि मैं पुलिस में ही हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है, और जिस तरीके से कभी भी कोई स्टूडेंट्स आता है तो मुझे वो एक फीलिंग मुझे हमेशा याद रहती है कि इसको अभी कैसा फील हो रहा होगा। तो जब भी मैं उससे रूबरू होता हूँ तो आई यूज़ टू काम डाउन हिम कि मतलब ठीक है कोई बात नहीं, और जहाँ तक है हम लोग की कोशिश रहती है कि उन्हें सही राह दिखाएं और सही तरीके से उन्हें बताएं कि आपको क्या सही है क्या गलत है। तो आप चाहते हैं कि पुलिस का जो डर है जो आम लोगों में रहता है वो ख़त्म होना चाहिए, और उसके लिए कुछ दिशा में काम करेंगे क्या? हम लोग करते ही हैं। नॉर्मली जो हमारे में कम्युनिटी पुलिसिंग जो हम लोग को सिखाई जाती है शुरू से, हमारे ट्रेनिंग में भी हम लोग को बताया जाता है कि किस तरीके से आप कम्युनिटी पुलिसिंग के इनिशिएटिव्स लेते रहें, और हम लोग अपनी सीनियर्स के थ्रू लेते भी रहते हैं। जैसे कि हम लोग का रहता है शांति समिति की बैठकें लेना, लोगों से बातचीत करना, बाकी नगर सुरक्षा सैनिक जो होते हैं हमारे, उन लोगों से हम बात करते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। वो सब स्टेप्स इसीलिए उठाए जाते हैं ताकि एक जो पुलिस को लेके एक जो इमेज बनी हुई है उस इमेज को हम वो कर सकें, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के में से ही एक हैं, उसी सोसाइटी से हम लोग आए हैं। जैसे कि जर्नीज आप लोगों की रहती है वैसी जर्नी हम लोगों की भी रहती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास वर्दी है, हम वर्दी में रहते हैं, जिस वजह से हम लोग अलग से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। बाकी अगर आप देखें तो हम लोग भी उसी तरीके से उन्हीं सब क्या कहना चाहिए परेशानियों से जूझते हैं जो रोज़मर्रा में सब लोग अपने काम के दौरान करते होंगे। और हमारी कोशिश भी रहती है कि कोई भी अगर व्यक्ति आए तो उससे हम सबसे पहले उसको काम डाउन कर सकें, एक अपनी अच्छी इमेज उसके सामने रख सकें, उसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मदद कर सकें कानून के दायरे में उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आप युवा हैं और जब ये गंभीर पद पर हैं तो कहीं जाते होंगे, कोई घटना होती होगी, यदि सिविल में गए कहीं, तो कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि लोगों ने आपको अधिकारी ना समझा हो? ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कभी आप? एक बार बैरसिया में ही हुआ था, जब मैं एसडीओपी बैरसिया था, तो मेरा हम लोग की एक्चुअली गश्त लगती है, नाइट पेट्रोलिंग रहती है जी। तब मैं एक बार गश्त के दौरान ही ऐसे सिविल में चला गया था, तब उस दौरान मेरा ही एक सिपाही मुझे पहचान नहीं पाया था, तो वो वाकया मतलब मुझे हमेशा याद रहता है, इसलिए मैं जब भी गश्त में जाता हूँ तो मैं यूनिफॉर्म में ही जाता हूँ। अच्छा, आपका कम कार्यकाल हुआ है, मतलब 3-4 साल हुए हैं, तो ऐसी कोई घटना जो आपको आज भी विचलित कर देती हो, ऐसी 2 घटनाएं बताइए कोई जिससे आप अब भी खुश हो जाते हो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, इसको न्याय दिलाया, या ये काम मैं कर नहीं पाया हूँ। ऐसा एक घटना मुझे अभी भी याद है, एक्चुअली जब मैं एसडीओपी बैरसिया के पद पर था, वहाँ एक महिला थी, उनका नाम तो नहीं बता सकता मैं भी, बट उनका एक्चुअली क्या था, उनके पति की डेथ हुई थी कुछ समय पहले, और उन्होंने उनका जो भी जीपीएफ का पैसा था उससे एक जमीन ली थी जी। उस जमीन का बैकग्राउंड इस प्रकार से था कि जो व्यक्ति वहाँ मूलतः जो उसका ओनर था, उसने एक बी पार्टी को वो जमीन बेच दी थी। उसको बेचने के बाद बी पार्टी ने कहा कि मैं तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ देख रेख कर नहीं पाऊँगा, आप यहीं बने रहो और यहीं आप इसकी देख रेख भी करते रहना। सो दिस जो मेन ओनर था शुरू से जो था, उसने इसको अपना हक समझने लग गया और उसने खाली नहीं किया जी। साथ ही साथ जब भी बी पार्टी उसके पास आता खाली करने का, बोलता है कुछ भी, तो वो उसे कुछ ना कुछ धमकी देता रहता था। बी ने तंग आकर इसी तरीके से सी पार्टी को बेच दी जमीन, और बी ने वो बताया भी नहीं कि इस तरीके का ए पार्टी जो अभी है वो वहीं पे रहती है और इस तरीके हरकतें करती है, खाली नहीं करती। सी ने भी कुछ समय तक बहुत ट्राई किया, उसके बाद जब वो भी ट्राई नहीं कर पाया उसने डी को बेच दिया। डी ये महिला थी जी, और इनको बिल्कुल जानकारी नहीं थी, इन्होंने सिंपल एक इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया था कि चलो जब आगे कुछ समय में जब जमीन पड़ेगी तो या तो उधर खेती करवा लेंगे, नहीं तो बेच के अपने बच्चे की शादी कर देंगे। 16 साल का बच्चा था उनका। ये जो ए पार्टी थी ये पिछले 8 साल से उधर कब्जा किए हुई थी, ना ये खाली कर रहे थे, ना किसी प्रकार से उनको मतलब जब भी जाते थे ना आश्वासन देना कि हम खाली कर देंगे, और जब भी ये महिला वहाँ जाती अपने बच्चे के साथ तो उस पर किसी न किसी तरह का इल्ज़ाम लगा देते, जिस वजह से वो महिला काफ़ी आहत थी, उसको हमेशा ये डर रहता था कहीं ये मेरे बच्चे को बंद नहीं करवाते किसी झूठे इल्ज़ाम। तो ऐसा ही केस मेरे एसपी सर के द्वारा मेरे पास आया था जिसको मैंने देखा, उसमें मैंने उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, हर एक डॉक्यूमेंट वाइज वो महिला सही थी। जितने भी इससे हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जितने भी तरीके प्रक्रिया रहती है वो सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो महिला को उसका हक नहीं मिल रहा था।
वहाँ एक केस में जब मेरे एसपी सर ने मुझे बताया, श्री शैलेंद्र सिंह चौहान सर थे वहाँ उस समय, तो सर ने बताया कि अंकित तुम्हें इसमें मदद करनी है, देखो इसमें क्या। तो वो एक केस मुझे हमेशा याद रहता है जिसमें हम लोगों ने एक दिन के अंदर उसमें पूरी कार्रवाई करते हुए, हम लोग की टीम थी, मैं था, हमारे वहाँ SDM थे, और हम लोगों ने सब ने मिल के मात्र एक दिन के अंदर वो पूरी ज़मीन खाली कराई जी। खाली कराने के बाद जो उसमें उन लोगों ने चने वगैरह जो बो दिए थे उसको क्लियर कराया, उसकी फेंसिंग कराई, फेंसिंग कराने के बाद पूरी लिखा पढ़ी करके उस महिला को हमने उसकी ज़मीन दिलाई। और वो एक दिन जो जब उसको महिला को वो ज़मीन मिली उसकी, जब वो पूरा एक दिन में हुआ, जो कि महिला 8-9 साल से मतलब जगह जगह चक्कर काट रही थी, तो जो उसको जो उसकी दुआएं जो लग रही थी हम लोगों को, जो वो बोल रही थी, जो उसकी खुशी हुई, जो उसकी खुशी थी, मतलब वो देखने लायक थी। मतलब वो समय ऐसा था कि हमारी पूरी टीम थी, टीम बस रोई नहीं है, लेकिन मतलब जो एक फीलिंग थी वो बोलने लायक नहीं, मतलब कि उसको मैं हम लोग बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी उस समय हम लोग को हुई थी। पुलिस महकमे में किसको आप अपना गुरु मानते हैं? पुलिस महकमा ऐसा महकमा है जिसमें हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसमें तो आप बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते, एक कांस्टेबल भी आपको बहुत सारी बातें सिखा देता है, और बड़े से बड़े आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपको सिखाते हैं। तो कोई पर्टिकुलरली तो मैं किसी को नहीं कह पाऊंगा कि कोई मेरा गुरु है, बट मैंने बहुत लोगों से सीखा है। मैं जब अपने प्रोबेशन में बड़गुंदा थाने में था इंदौर में, वहाँ पे एक SI साहब थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और आपके बाकी जो बैचमेट्स होते हैं वो लोग भी कुछ ना कुछ, हम लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप पे रहते हैं तो उसमें शेयर करते रहते हैं, सीनियर्स हैं, सीनियर्स टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। आप लोग जैसे हम लोग नए आते हैं, कोई भी एक सर्विस में कोई भी नया बंदा आता है या रिक्रूट आता है, तो स्वाभाविक रहता है कि कुछ कुछ चीज़ों में वो जल्दबाजी भी करता है, कुछ कुछ चीज़ों में उसको समझने में दिक्कत होती है, तो वहाँ सीनियर्स हेल्प करते हैं। तो सभी लोगों जितने भी लोगों के साथ मैंने अभी तक काम किया, सभी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। पुलिस महकमे और पुलिसिंग में आपको कहाँ कहाँ कौन सी कमियाँ नज़र आती हैं अभी कि इनको ठीक किया जाना चाहिए भविष्य में? पुलिसिंग देखिए, क्राइम जो चीज़ है, क्राइम वो है वो माइंड से उत्पन्न होने वाली चीज़ है अगर अपन देखें तो मतलब इट इज़ एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस। क्राइम का हमेशा मॉडस ऑपरेंडी चेंज होता रहता है, क्राइम के तरीके चेंज होते रहते हैं, गैंग्स आती रहती हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते किसी भी पॉइंट पर कि हम पूरी तरीके से सक्षम हैं, और हम किसी भी पॉइंट पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम किसी तरीके से लैग कर रहे हैं। मतलब ये तो वाली चीज़ रहती है कि सामने वाले जो हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो अपना प्रयास कर रहे हैं, वो अपना दिमाग लगाते रहते हैं चीज़ों में, गलत सभी गलत तरीके की गतिविधियों में, और हम लोग उनको पकड़ने में अपना दिमाग लगाते रहते हैं। तो जिस तरीके से नॉर्मली टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, ऐसे ही हम लोग भी इवॉल्व कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, आप देखते होंगे बैंक फ्रॉड्स OTP के थ्रू जो होते हैं और बाकी फ़ोन्स के थ्रू जो करते हैं, तो वो भी बहुत कॉमन हो गए हैं। इसमें भी हम लोग अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक हम लोग अब नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास भी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें हम लोग उनको ट्रैक कर पाते हैं, तो एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। जैसा कि लोग कहते हैं कि पुलिस से आगे चोर होते हैं, वो हमेशा पुलिस उनके पीछे ही रहती है, टेक्नोलॉजी के मामले में देख लो या साइबर जो है अपराध हो रहे हैं उसमें भी देख लो, आपको लगता है कि अंदर से कि पुलिस वाकई में संसाधनों से और उससे पीछे है अपराधियों की अपेक्षा? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि संसाधनों से हम लोग पीछे हैं। और बाकी अगर अभी आप देखें भोपाल में जो हम लोग क्रिमिनल ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो तो एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है। इसी क्रिमिनल ट्रैकिंग के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी क्रिमिनल्स अभी तक हैं, जो लोग क्राइम कर चुके हैं पास्ट में, जो लोग अभी भी कर रहे हैं, जो लोग अभी जेल से छूटे हैं, तो इन सब लोगों को हम ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने का मतलब इस तरह ये है कि हम कि वो व्यक्ति क्राइम करने के बाद अगर वो छूट गया है तो वो अभी क्या कर रहा है, क्या वो सुधरने की राह पर है, और उसका अभी व्यवसाय क्या कर रहा है, वो कैसे अपना गुजर बसर कैसे कर रहा है, किधर रह रहा है, पुराने साथी दौरान उसके क्या कर रहे हैं, नए साथी दौरान जो बने हैं वो क्या करते हैं। तो ये एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है, इसको हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि मतलब अगर ये क्रिमिनल्स टच होते रहें तो हो सकता है कि वो जो गतिविधियां करने वाले हैं वो नहीं करें, उनको भी लगेगा कि नहीं हम लोग मॉनिटर हो रहे हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। और बाकी हम लोग भी जो नॉर्मल जो पुलिस एक सर्वेलेंस करती है वो हम लोग भी करते रहते हैं। ये तो बाय चांस वाली बात रहती है कि कभी ऐसा रहे कि वो लोग धोखा दे के आगे निकल जाएं, ऐसा सच नहीं रहता। हम लोग अपनी प्रक्रिया से पकड़ते रहते हैं, काफ़ी रैकेट्स भी बर्स्ट होते हैं, काफ़ी गैंग्स पकड़ी जाती हैं,
तो ये तो चोर सिपाही का खेल तो चलता ही रहता है। लोगों की धारणा भी रहती है कि जैसे बड़े लोगों का, मंत्रियों का, अधिकारियों का कोई उनके साथ कोई घटना हो जाती है, सिंपल सा कि मोबाइल भी चोरी हो जाता, वो मिल जाता है, लेकिन आम आदमी का नहीं मिलता। तो क्या पुलिस सिस्टम में ऐसा कुछ है कि बड़े लोगों के काम करने के लिए प्रायोरिटी रहती है और छोटे के नहीं है? नहीं एक्चुअली इसमें क्या है, मिलता छोटों का भी है बट वो न्यूज़ में कवर नहीं हो पाता। बड़ों का सेंसेशनल ज़्यादा हो जाता है इसलिए वो न्यूज़ में कवर हो जाता है कि वो चोरी हुआ और मिला, दोनों न्यूज़ में कवर हो जाता है। छोटी जगह ये छोटे लोगों के साथ ये रहता है कि उनका चोरी हुआ वो तो कवर हो जाता है, लेकिन जो मिला है वो कवर नहीं हो पाता। मतलब हमारी रेट अगर आप देखें दस्तयाबी की, अगर आप देखें किसी भी तरह की रिकवरी होती है, चोरी की रिकवरी हो गई, तो हम लोग अपना भरसक प्रयास करते हैं, बहुत हद तक हम लोग को सफलता मिलती भी है। हाँ इस बात के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती है, कभी कभी समय भी लग जाता है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। हर पुलिस अधिकारी का एक वो रहता है कि वो सामाजिक कार्यों में भी उतने भागीदार रहते हैं, कोई एजुकेशन दे रहा है, ऑनलाइन दे रहा है, या कोई, आपने भी लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसा किया था, हमने सुना था कि भोजन वितरण वगैरह कराया था अवधपुरी में। भोजन वितरण का जरूर रहा था, उसमें मेरी अवधपुरी की टीम और पिपलानी थाने की टीम, इन लोगों ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है, गोविंदपुरा ने भी अच्छा काम किया है। तो इस दिशा में आगे कुछ करना चाहते हैं, कोई एक सामाजिक कार्य करने की आपकी इच्छा रही हो? अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, लेकिन हाँ बिल्कुल ये तो हमारा कर्तव्य, करते ही रहना चाहिए, जो भी आगे जैसा भी बनेगा कुछ भी तो ज़रूर करेंगे। आप प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं अपना? मेरी प्रेरणा स्रोत तो अगर आप देखें तो मेरी माता जी हैं और मेरी दादी जी। मतलब जितना से मतलब उनसे मैं बस एक ही चीज़ सीख पाता हूँ, एक तो पेशेंस और दूसरा सेक्रीफाइस। मतलब वो दुनिया की हर माँ करती है, ये ऐसी कोई चीज़ मैंने अलग बात नहीं बोली, आपकी हमारी सबकी जो भी हैं माएँ इस टाइप का सेक्रीफाइसेस करती रहती हैं, लेकिन एक पेशेंस जो मैंने उनसे सीखा है चीज़ों को लेकर। कभी कभी जैसे मैं जब स्टार्टिंग में तैयारी कर रहा था जी तो तैयारी के दौरान बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं अप्स एंड डाउन्स के, जी कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि यार बहुत इजी एग्ज़ाम है मैं तो हल निकाल लूँगा, कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि नहीं ये मेरे बस की बात ही नहीं है। तो वहाँ जब मेरी माँ मुझे कंसोल करती थी, समझाती थी, मुझे मोटिवेशन देती थी, फिर मुझे रियलाइज़ कराती थी कि तुम क्यों गए हो तैयारी करने, तो हमेशा से मेरी मदर का मतलब एक रहा है मेरे ऊपर, वो हमेशा से कोई ना कोई, जब भी मैं ऐसा कुछ लो फील करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई रास्ता हमेशा निकाल लेती हैं, तो उन्हीं को मैं मानता हूँ। सेकंड, ट्रेनिंग के दौरान हमारी ट्रेनिंग भी उतनी टफ होती है। जी ट्रेनिंग अगर आप देखें तो आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो अपने आप में मतलब एक एग्ज़ाम जैसी है, जी उसमें आपका फिजिकल मेंटल हर तरह का लेबर लगता है, और उस दौरान आपका अपने आप में एक पेशेंस बनाए रखना, अपने आप को कंपोज रखना, कंसंट्रेट करना, ये सब तो इसका पूरा श्रेय मैं अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे टाइम मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग रखी। बहुत बार ऐसा होता है ट्रेनिंग के दौरान आप बात भी नहीं कर पाते, इतना टाइट शेड्यूल रहता है, बात नहीं कर पाना, आप बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली से अलग रहना पड़ता, आप फैमिली साथ नहीं रख सकते, जी तो उस दौरान अपने कंपोज्ड कंपोजर मेंटेन करना, ये सब पूरा वाइफ को। आपके फादर इन लॉ भी शायद पुलिस में हैं जी और आपकी लव मैरिज हुई है? लव मैरिज नहीं है, जी अरेंज ही है वो तो। तो उन्होंने आपको आईपीएस बनने के बाद पसंद किया था? हाँ अप्रोच उधर से ही होता है। आपकी वाइफ क्या करती हैं? सी इज परसुइंग एलएलएम राइट नाउ। आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा? एक्चुअली हम लोग ग्वालियर से रहने वाले हैं, जी ग्वालियर के, और मेरे फादर का एक छोटी सी किराना स्टोर की शॉप है, इसके मेरे जॉइंट फैमिली है, हम लोग 15 to 17 मेंबर्स हैं, जिसमें से कि अभी दो लोग तो 15 जो हैं वो अभी घर पे ही हैं, बाकी दो लोग अभी बाहर रह रहे हैं हम लोग, और सब लोगों का छोटा छोटा बिजनेस है, मेरे चार चाचा हैं, सबका छोटा छोटा बिजनेस है। ट्रेनिंग में ऐसा होता है जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में भी रहे, आप शहरी क्षेत्र में भी हैं, दोनों जगह अलग अलग समस्याएं रहती हैं, तो किस टाइप का डिफरेंस देखते हैं वहाँ की प्रॉब्लम्स में और यहाँ की प्रॉब्लम्स में? अगर आप क्राइम के पर्सपेक्टिव में कहें तो रूरल साइड के अपने अलग क्राइम्स रहते हैं, और आप सिटी अर्बन एरिया में आएंगे तो वहाँ अलग तरह के क्राइम रहते हैं। रूरल साइड में मुझे लॉ एंड ऑर्डर कम देखने मिला, लेकिन जब अपन अर्बन साइड में आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन ये सब जो रहते हैं अर्बन साइड में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, रूरल साइड में इतना नहीं, लेकिन वहीं उधर जो क्राइम्स हैं वो अलग प्रकार के हैं, चोरी होना
और आप नकबजनी वगैरह जो होती है हमारी, लूट वगैरह, इस मामले में जो रूरल साइड है वो काफ़ी मतलब आपके लिए चैलेंजिंग रहता है। कभी कभी ब्लाइंड मर्डर्स भी आपको देखने मिल जाते हैं रूरल साइड में, वहाँ पर आपको टेक्निकल हेल्प भी कम मिल पाती है रूरल साइड। यहाँ अर्बन साइड में क्या रहता है कि कैमराज वगैरह रहते हैं, लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आपको मतलब कोई ना कोई लीड मिलती रहती है। यहाँ पर संसाधन भी ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे अगर कोई भी चोरी करता है, अगर मान लीजिए मोबाइल चोरी करता है, तो वो कहीं ना कहीं इधर बेचने जाएगा, तो आपको पता रहता है कि हाँ इन इन जगहों पे बिक सकता है, और आप पता करते हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं। वहीं अगर आप देखें तो रूरल साइड में आप देखें तो ह्यूमन, जो हम कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो मैन टू मैन जो बात होती है, वो उधर आपको बहुत अच्छी मिलती है। वहाँ मतलब आप रूरल साइड में जाएंगे तो वहाँ गांव में सबको पता रहता है कि कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, तो आप जब वहाँ ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो बहुत चीज़ें आपको वैसे क्लियर हो जाती हैं। यहाँ अर्बन साइड में आपको वो कभी देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पता पड़ा कि बगल में ही कोई रह रहा है, पड़ोसी को ही नहीं पता रहता कि कौन रह रहा है उसके पास। पुलिस की नौकरी 24 घंटे की होती है, जी तनाव ज़्यादा होता है, जी तो आप ये तनाव कैसे कम करते हैं घर में, परिवार में सामंजस्य बिठाने में और पुलिस की नौकरी में? वो डिफ़िकल्ट टास्क है उसके लिए एक्चुअली, खासकर भोपाल जैसी सिटी में जहाँ मतलब 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्राइम काफ़ी रहता है, तो यहाँ एक सामंजस्य बनाना अपने आप में ही एक कला है, जिसको सभी, मुझे लगता है मेरे सभी सीनियर्स अच्छे से मेंटेन करते हैं। हम लोग भी मतलब फैमिली के साथ गेम्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करना, गेम्स खेलना, मिलना दोस्तों से, गेट टुगेदर करना, टाइम निकाल कर उसको मेंटेन करते हैं। पहले आप पर्याप्त टाइम देते होंगे फैमिली को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इस सर्विस में आने के बाद नहीं देते, उनकी जो शिकायतें रहती हैं वो कैसे दूर करते हैं? शिकायतों को दूर करने का दिन मैंने सैटरडे संडे का बांध रखा है, अच्छा जिस दिन मैं उन लोगों को कॉल लगा के बात कर लेता हूँ। और रही बात मेरी वाइफ की तरफ से, तो वो पुलिस बैकग्राउंड से ही है, तो उन्हें पता है कि पुलिस की लाइफ कैसी रहती है, तो उस जगह से मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। बाकी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनका जरूर, कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह की शिकायतें ज़रूर रहती हैं कि यार पहले बहुत कॉल करता था, बिल्कुल बात नहीं करता, तो उन लोगों से मैं सैटरडे संडे वीडियो कॉल वगैरह करके बात कर लेता हूँ, तो काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाता है। जाहिर है आप पुलिस में हैं तो उनकी अपेक्षाएं भी बड़ी होंगी, कई बार गाड़ियां पकड़ा जाती हैं, कुछ घटनाएं हो जाती है तो हेल्प मांगते हैं, तो कैसे हेल्प कर पाते हैं उस कानून के दायरे में रह के? बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है, अगर कोई भी दोस्त इस तरीके की पोस्ट पे रहता है तो बाकी फ्रेंड्स तो कभी ऐसी कोई कंडीशन में आते हैं, और मदद करनी भी चाहिए, जहाँ जिस अगर अगर वो सही हैं तो बिल्कुल मदद करनी चाहिए। और जब जब मेरे फ्रेंड्स का ऐसे कभी कोई कॉल वॉल आता है, अगर वो सही रहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करके जो भी मदद कर पाता हूँ उनकी करता हूँ। एक आखिरी सवाल कि आप फर्स्ट बार में ही सिलेक्ट हो गए थे, पहले एग्ज़ाम एमपीपीएससी का दिया उसमें भी फर्स्ट बार हुए, सेकंड वाले में यूपीएससी में भी आप फर्स्ट बार में हुए, तो नए युवाओं को कोई ऐसा मूल मंत्र देंगे क्या कि वो भी आपकी तरह सक्सेस रहे फर्स्ट बार में? देखिए, मूल मंत्र जो है, मेरा जो मानना है, ऐसा कोई पर्टिकुलर मूल मंत्र नहीं होता है, बट स्टिल फिर भी अगर आपने बोला है तो मैं 2-4 लाइन ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप ये ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि आपने कोई भी चीज़ क्यों स्टार्ट करी है। वो जो एंड मोमेंट, जो एंड पॉइंट है, जो आपका लक्ष्य है, उसको आप हमेशा दिमाग में रखें। बहुत बार ऐसा कंडीशंस आती हैं जब आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, जब आपको सफलता नहीं मिलती है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो 2-3 अटेम्प्ट में या 4 अटेम्प्ट में या जैसा भी उनका अटेम्प्ट रहे हो उसमें सिलेक्ट होते हैं, तो उन लोगों से मेरी जब भी बात होती है, उनका एक ही बात रहती है कि यार हम लोगों ने बस एक ही चीज़ दिमाग में रखी कि हमें सिलेक्ट होना है। और वही जो सक्सेस के लिए मतलब एक मंत्र जो कहा जाता है कि आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें, आप बिल्कुल भी डेविएट नहीं हो। बीच में बहुत लोग आपको डेविएट करेंगे कि आप, अरे यार अब यूपीएससी नहीं निकल रहा तो एमपीपीएससी दे दो, या फिर बैंक की तैयारी कर लो, इस तरीके के डेविएशंस में आप बिल्कुल नहीं पड़ें। आपका जो लक्ष्य है, आपने अगर यूपीएससी चुन लिया है तो आप यूपीएससी पे ही ध्यान दें। हाँ मतलब इसमें सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी व्यक्ति को आप इंट्रोस्पेक्ट भी करें अपने आप को, अगर आपको लगता है कि नहीं अब मैं यूपीएससी नहीं कर सकता तो बिल्कुल आप जाएं, लेकिन जब तक आप कर सकते हैं तब तक आप करें, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका। थैंक यू। ये थे अंकित जायसवाल, उन्होंने कहा है कि सफलता के लिए एकमात्र मंत्र है वो है लक्ष्य। आपने लक्ष्य निर्धारित करिए और किसी के भी कहने पर मत आइए, आपने जो काम करना है, जिस लक्ष्य पे जाना है आपको, वो साथ कर रखिए, जिस तरह से अर्जुन ने
मछली की आंख को देखकर लक्ष्य साधा और इसके अलावा उनको कोई दिखाई नहीं दिया। तो आप भी अपना लक्ष्य साधेंगे तो जरूर सफल होंगे, यही उनके सफलता का मूल मंत्र है। आइए आज इतना ही, आगे हम फिर किसी नए अवसर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।